मित्रों, कुंभ लग्न वाले जो हैं, कुंभ लग्न वाले जो जातक है उनके लिए विशेष प्रकार का ये धन योग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के निशान पर क्लिक करें। तो आइए करते हैं डिस्कस कुंभ लग्न वालों के। फ्रेंड्स, कुंभ लग्न जिनका है यानी कि फर्स्ट हाउस में 11 जिनका लिखा हुआ है, समझिए कि आप जातक या जातिकाएं जो है कुंभ लग्न से संबंधित आपकी हॉरोस्कोप है। तो यहां पर धनयोग जो बनते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों ही 10वें हाउस में बैठ जाते हैं, तो चंद्रमा शनि दोनों जो है युति होकर के 10वें हाउस में भी बैठ जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति बनाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन है कुंभ लग्न वालों के लिए कि यदि शनि लग्न में बैठे हो यानी कि फर्स्ट हाउस में, और मंगल जो है 6वें भाव में यदि बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ऐश्वर्य संपन्न होते हैं। यानी कि धन तो इनके पास होता ही है, लेकिन एक ऐश्वर्य यानी कि इनके नाम का वर्चस्व जग में होता है, और बहुत नामी व्यक्ति ऐसे होते हैं। ये है शनि और मंगल का प्रभाव। तीसरा ऑप्शन आपके लिए है कि आपकी राशि का जो स्वामी है वो यदि 9वें कुंडली के 9th हाउस में, 11th हाउस में, 2nd हाउस में, या फिर केंद्रों में कहीं भी उच्च का होकर शुद्ध रही होकर यदि बैठ जाता है, तो आप निश्चित रूप से एक बहुत धनवान व्यक्ति हुआ करते हैं, धनवान व्यक्ति आपको ये घर बनाते हैं। तो ये था योग, महाधनवान योग, जो आपके लिए ग्रहों के अनुसार हर लग्न वालों के लिए होता है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप मुझे जो है कॉल कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए, अपनी कुंडली को विशेषण करवाने के लिए 9205574511 पे, और बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, एसएमएस भी इसी नंबर पर छोड़ सकते हैं। आई विल टेल यू अकॉर्डिंग बाय योर हॉरोस्कोप्स, आई मीन इंफॉर्मेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।